अजय पढ़ते पढ़ते फिर रुक जाता है। क्या साहब, छाया की जिंदगी में आगे क्या हुआ, पढ़िए ना, माखनलाल ने कहा। अजय टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाता है, घट 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 तीन चार घूंट पानी पीता है और आगे पढ़ने लग जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी प्रताप की जॉब महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के मेघ गांव के एक सरकारी हॉस्पिटल में लग गई। सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है और ये बात वो भी जानती थी। प्रताप का कहना था कि मैं तनु के साथ यहीं पर हूँ और वो मेघ गांव चला जाएगा। साल में तीन चार बार वो हमसे मिलने के लिए आता जाता रहेगा। मैं प्रताप को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी क्योंकि मुझे पता था अगर प्रताप मुझसे दूर गया तो हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। मैंने प्रताप से पूछा, क्या मेघ गांव में कोई स्कूल है? यदि हो तो क्या मुझे वहां के प्रिंसिपल का नंबर मिल सकता है? प्रताप के कुछ दोस्त गोंदिया में रहते थे, उन्होंने प्रताप को मेघ के स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर दिलवा दिया और प्रताप ने वो नंबर मुझे दे दिया। मैंने भी अपने ट्रांसफर के लिए स्कूल में अर्जी दे दी। मैंने मेघ के स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल किया और उनसे पूछा, क्या कोई जगह खाली है? तो उन्होंने मुझसे साफ साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें पहला फुसला कर मेघ के ही स्कूल की मैथ्स टीचर का नंबर ले लिया। मैंने वशीकरण में इतनी सिद्धि हासिल कर ली थी कि मैं किसी को भी अपनी आवाज के जरिए भी अपने वश में कर सकती थी और मैंने मेघ के स्कूल की टीचर के साथ भी यही किया। मैंने मेघ के स्कूल टीचर को रात के 10 बजे कॉल किया और उसे अपने वश में कर लिया। उसे फोन पर ही हुक्म दिया कि वो आज रात में ही कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे और उसने वही किया जैसा मैंने कहा था। उसने मेघ गांव के कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। मेघ गांव के स्कूल टीचर की पोस्ट खाली हो गई थी। मैंने अपनी काली शक्तियां लगाकर मेघ गांव में अपनी पोस्टिंग करवा ली और जैसा कि हम सबको पता है, काली ताकतों के आगे किसी की ताकत नहीं चलती। मेरी पोस्टिंग मेघ गांव के स्कूल में हो गई थी। प्रताप को लगा कि ये सब इत्तेफाक है, पर उससे क्या पता था कि ये सब मेरे जादू टोने के कारण हुआ था। जब हम लोग मेघ गांव पहुंचे तो एक साल तो मुझे उस गांव को समझने में ही लग गया। मेघ गांव के पास ही मेघनाथ मंदिर था। मैं वहां जाकर पंडित सुशलाचार्य और उनके शिष्यों को मंत्र जाप करते देखती रही और उनसे दैवीय शक्तियां सीखती गई। मैं कुछ भी करके दैवीय शक्तियां हासिल करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि शैतानी शक्ति का तोड़ यदि किसी के पास है तो वो है दैवीय शक्ति। इसलिए दैवीय शक्तियां सीखकर मैं अपने काले जादू को अटूट करना चाहती थी ताकि कोई भी उसे ना तोड़ सके। काले जादू की किताब में ही अमर होने का तरीका लिखा हुआ था और मैं भी अमर होना चाहती थी। काले जादू की किताब में लिखा था कि अगर आपको अमर होना है तो। अजय पढ़ते पढ़ते फिर रुक जाता है। क्या हुआ साहब, आप फिर क्यों रुक गए, जल्दी बताइए ना, अमर होने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं भी अमर होना चाहता हूँ, माखनलाल ने कहा। माखनलाल, आगे के अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, मिटे हुए। अरे ये क्या, मिटना भी था तो क्या, इन्हीं अक्षरों को मिटना था, मेरी किस्मत ही खराब है, लगता है भगवान चाहते ही नहीं कि मैं अमर बनूं। माखनलाल, क्या तुम पागल हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है अगर इस डायरी में अमर होने का तरीका लिखा भी होता तो वो करके क्या तुम अमर हो जाते, अजय ने कहा। और नहीं तो क्या साहब, आपको नहीं पता साहब, ये काले जादू में बहुत शक्तियां होती हैं, ये असंभव को भी संभव कर देता है, अजय ने गुस्से में कहा। माखनलाल, अगर ये तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मैं इस डायरी को आगे पढ़ सकता हूँ? हाँ साहब पढ़िए ना, वो तो आप रुक गए थे तो मैं बस बता रहा था। अजय डायरी को फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। जो काम मुझे करना था वो मैं अकेले नहीं कर सकती थी, उसके लिए मुझे एक दल की जरूरत थी और मुझे सबसे पहले अपना एक काला दल बनाना था। मेरे मन में सबसे पहले अपने दल में शामिल करने के लिए प्रताप का ख्याल आया, पर यह ख्याल उसी वक्त मैंने अपने मन से हटा दिया क्योंकि प्रताप से मैं बहुत प्यार करती थी। इस काम में बहुत खतरा था और मैं प्रताप को खो नहीं सकती थी। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दल की शुरुआत कैसे करूं। फिर मैंने बहुत सोचा कि मेरे दोस्त लोग कौन कौन है, मैं किसे अपने दल में शामिल कर सकती थी। मैं सबसे ज्यादा अपना टाइम स्कूल में ही तो बिताती थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना स्कूल के बच्चों को ही अपने दल में शामिल कर लूं और बच्चों पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत अपनी ही बेटी तनु से करूं।
मैंने तनु पर जादू टोना करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तनु मेरे वश में भी आने लग गई। लेकिन वो पूरी तरह से मेरे वश में नहीं आ पा रही थी और मेरे यही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं मेरी काली शक्तियां कमजोर तो नहीं थी, या इसका मतलब ये था कि मैंने पूरी तरह से काली सिद्धियां भी हासिल नहीं की थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्यों तनु को पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पा रही थी। मैंने एक और बार काली किताब पढ़ने की सोची जो मैं बचपन में उस आदमी के पास से चुरा कर लाई थी जो शमशान में नग्न अवस्था में बैठा हुआ था। जब मैंने उस किताब को एक और बार ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो इंसान काला जादू करता है वो अपनी संतान पर काला जादू सिर्फ एक हद तक ही कर सकता है, उसे पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि उस संतान के अंदर उसी का खून रहता है और उसके पास पैदा होते ही कुछ शैतानी शक्तियां भी होती हैं, जो बड़े होकर उस शैतानी शक्तियों को और बलशाली बना सकता है। इसका मतलब ये था कि मेरी तनु चाहे तो बड़े होकर मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकती है। मुझे ये तो पता चल गया था कि मैं तनु को अपने वश में नहीं कर सकती थी, इसलिए अब मुझे अपने दल की शुरुआत दूसरे बच्चे से करनी थी और मैंने उसके लिए अपनी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे राघव को चुना। क्या हुआ साहब, आप फिर रुक गए? माखनलाल ने कहा। माखनलाल, तुम्हें पता है राघव कौन है? कौन है साहब? माखनलाल, ये मेघ गांव के सरपंच दनपत राय का बेटा था और जितना मुझे याद है बचपन में ये मेरे साथ ही पढ़ता था और हमारी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। आपको कैसे याद साहब? आपको तो आपके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद ही नहीं है, है ना? हाँ माखनलाल, पर पता नहीं क्यों जैसे जैसे मैं मेघ के बारे में जानता जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बचपन की यादें वापस से ताजा होती जा रही हैं और मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। अजय वापस से डायरी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मैं राघव को अपने दल में शामिल करने की कोशिश करने लगी। काली दुनिया में शामिल होने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसमें आपको अपनी इच्छा से उसमें शामिल होना पड़ता है, जबरदस्ती आप किसी को शामिल नहीं कर सकते। मैंने राघव को लालच देना शुरू कर दिया पर वो लालच कोई काम नहीं आया क्योंकि उसके पास पहले से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राघव मेरे वश में नहीं आया। उसका एक और कारण ये भी था कि उसके दादाजी बचपन में उसे संस्कृत में गीता, रामायण, वेद पुराण जैसी कई चीजें पढ़ा चुके थे और उतनी से ही उम्र से उसने वो ग्रहण करना भी शुरू कर दिया था। मैंने अपना अगला शिकार ढूंढना शुरू कर दिया और वो था अजय। अजय पर भी मेरा जादू टूटने का कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि अजय दिमाग से बहुत तेज था। मैंने जब भी उसे अपने वश में लेने की कोशिश की वो समझ जाता था कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ क्योंकि शायद उसके घर पर इस काम के बारे में उसे पहले से ही आगाह किया गया हो। अजय को हिप्नोटाइज करके भी मैंने उसे अपने वश में करने की कोशिश की पर वो मेरे वश में नहीं आ पाया। शायद यही बात उसने अपने घर में बता दी थी और वो अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। स्कूल खत्म होने के बाद भी सीधे अपने घर चला जाया करता था, जरा सी देर के लिए भी नहीं रुकता था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपना दल तैयार करूं और अमर होने के लिए शैतान को खुश करने का काम शुरू करूं। मैंने सोचा होशियार बच्चा तो ट्राई कर लिया, क्यों ना क्लास के सबसे कमजोर बच्चे पर ट्राई करूं। और क्लास का सबसे कमजोर जो बच्चा था वो था रुद्र। मैंने रुद्र को अपने वश में करने का सोचा। मैंने अक्सर देखा था कि रुद्र कभी भी अपना होमवर्क पूरा करके नहीं लाता था। वो याद तो करता था पर सब कुछ अगले ही दिन भूल जाता था। वो ज्यादातर हर पीरियड में क्लास के बाहर खड़ा होता था। मैंने इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश की और रुद्र को अपने वश में करना शुरू कर दिया। मैंने रुद्र की कमजोरी का फायदा उठाया और उसे लालच दिया कि वो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन सकता है, बस उसे वही करना पड़ेगा जो मैं उसे करने के लिए बोलूं। पहले तो रुद्र ने मुझे मना कर दिया कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता पर जब मैंने रुद्र को एक टोटका बताया और बिना पढ़ाई किए वो टेस्ट में टॉप कर गया तो वो मेरी बातों में आने लगा। वो मुझ पर और काली जादू पर विश्वास करने लग गया।
समुद्र धीरे धीरे मेरे वश में आने लग गया था, पर मैं उसे पूरी तरह से अपने वश में लाना चाहती थी। इतने वश में कि चाहकर भी वो कभी फिर मुझे किसी भी काम करने से मना ना करे। अपना मेन काम जिसके लिए मैंने रुद्र को अपने दल में शामिल किया था, वो तो मैंने शुरू ही नहीं किया था। रुद्र को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए मुझे रुद्र पर जादू टोना करना था। उसके लिए मुझे उसके कपड़ों और नाखूनों की जरूरत थी। चाहती तो मैं रुद्र से खुद वो मंगवा सकती थी, पर फिर वो टोटका ज्यादा सरदार नहीं होता, क्योंकि ये तंत्र शास्त्र का नियम है कि अगर आपको किसी पर जादू टोना करना है तो कभी भी उसका सामान उसके हाथ से मत लो, किसी दूसरे से मंगवाओ या उसी के किसी परिचित से। रुद्र की माँ लता भी मेरी अच्छी सहेली थी। जब वो स्कूल में रुद्र को छोड़ने और लेने के लिए आया करती थी, तब उसी वक्त हमारी दो तीन बातें हो जाया करती थी। गरीब बच्चों को कपड़े दान करने के बहाने से मैंने रुद्र की माँ से रुद्र के पुराने कपड़े मांगे, पर रुद्र की माँ कुछ ज्यादा ही दानवीर निकली। गरीबों को दान करने के लिए वो अगले दिन नए कपड़े लेकर आ गई। मैं समझ गई थी कि लता इतनी आसानी से मेरे झांसे में नहीं आने वाली, मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि अकेले रुद्र से मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे मेरा दल और बड़ा करना था, इसमें और भी लोगों को शामिल करवाना था। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद अक्सर मैं प्रताप से मिलने उसके हॉस्पिटल जाया करती थी और लंच उसी के साथ किया करती थी। वहीं पर मेरी मुलाकात गौरी से हुई। गौरी उसी अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी, जो कि प्रताप की असिस्टेंट थी। मेरी गौरी से अच्छी दोस्ती हो गई थी और गौरी अक्सर मेरे घर पर आया जाया करती थी। गौरी से बातों ही बातों में पता चला कि वो इंदौर की रहने वाली है और एक गरीब घर से है। गौरी की बातों से ऐसा लगता था जैसे वो बहुत अमीर बनना चाहती हो। मैंने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा और मैंने गौरी से कहा कि मैं उसे अमीर बना सकती हूँ और उसे दुनिया की हर चीज दिलवा सकती हूँ। गौरी को पहले तो ये बात मजाक लगी और वो जोर जोर से हंसने लगी। जब उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे तो वो समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि वो कैसे अमीर बन सकती है। मैंने उसे काले जादू के बारे में बताया और कुछ टोने टोटकों के बारे में भी बताया और वो उन्हें करने लग गई और उसे उसका असर भी दिखना शुरू हो गया था। गौरी मेरे वश में आ गई थी और मेरा वो हर काम करने लग गई थी, पर मेरा असली काम जिसके लिए मैंने गौरी को अपने दल में शामिल किया था, वो काम अभी तक गौरी को नहीं बताया था। मुझे डर था अगर मैंने उसे वो काम बताया और उसने उसे करने से मना कर दिया और किसी दूसरे को बता दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने गौरी के साथ आत्मा का सौदा करने का फैसला किया। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सौदा होता है वो आत्मा का सौदा होता है। इस सौदे के अंदर आपकी आत्मा जिसके साथ आप सौदा करते हैं उसके कैद में हो जाती है। आपके मरने के बाद भी आपकी आत्मा उसकी कैद में रहती है। जब तक वो सौदा पूरा नहीं होता तब तक आत्मा कैद में रहती है। गौरी मेरे साथ आत्मा का सौदा करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे कुछ भी करके अमीर बनना था। वो सबसे अमीर बनना चाहती थी और उसे पता था अगर वो मेरे साथ आत्मा का सौदा कर ले तो वो सबसे अमीर बन सकती है। गौरी ने मेरे साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। मैंने उसी वक्त गौरी के हाथ में चाकू से सौदे का निशान बनाया। सौदे के निशान में मैंने एक ट्राइंगल बनाया और उसके अंदर एक सर्कल। सर्कल इस बात का प्रतीक होता है कि आपकी आत्मा कैद हो गई है और मरने के बाद भी कैद ही रहेगी जब तक कि सौदा पूरा नहीं हो जाता। सौदा पूरा करने से पहले अगर आपको अपनी आत्मा को कैद से छुड़ाना है तो उसका एक रास्ता ये है कि